साथियों साथियों नमस्कार। नमस्कार। आज के आज इस के सेशन सेशन में में आपका आपका स्वागत स्वागत है। है। आज हम आज लोग हम चर्चा चर्चा करने करने वाले वाले हैं हैं सांख्य सांख्य योग योग पे पे ही चर्चा चर्चा करेंगे, करेंगे, लेकिन लेकिन सांख्य सांख्य योग योग में में जो जो पंच पंच महाभूत महाभूत है है उस उस पंच पंच महाभूत महाभूत के के उस उस प्रायोगिक प्रायोगिक स्वरूप स्वरूप के के बारे बारे में में हम हम लोग लोग चर्चा चर्चा करने करने वाले वाले हैं हैं कि कि पंच पंच महाभूत महाभूत का का वास्तविक वास्तविक जीवन जीवन से से क्या क्या संबंध संबंध है, है, हम हम उसे उसे कैसे कैसे अपने अपने जीवन जीवन में में देख देख सकते सकते हैं, हैं, जान जान सकते सकते हैं हैं और और जानकर जानकर उसके उसके अपने अपने व्यवहार व्यवहार में में किस किस प्रकार प्रकार से से हम हम लोग लोग उसका उसका प्रयोग प्रयोग में में ला ला सकते सकते हैं। हैं। तो तो आइए आइए हम हम आज आज सांख्य सांख्य दर्शन दर्शन के के इसी इसी क्रम क्रम में में आगे आगे बढ़ते बढ़ते हैं। हैं। इससे इससे पूर्व पूर्व की की कड़ी कड़ी में में हमने हमने देखा देखा था था कि कि इवोल्यूशन इवोल्यूशन ऑफ ऑफ बॉडी, बॉडी, शरीर शरीर का का क्रमागत क्रमागत उन्नति उन्नति के के बारे बारे में में जाना जाना था। था। अर्थात अर्थात ये ये सांख्य सांख्य दर्शन दर्शन का का ये ये विकासवाद विकासवाद के के बारे बारे है, में जिसमें जिसमें प्रकृति प्रकृति पुरुष पुरुष इन इन सभी सभी का का क्रमशः क्रमशः विकास विकास किस किस प्रकार प्रकार से से हुआ हुआ है है और और विकास विकास की की प्रक्रिया प्रक्रिया को को समझने समझने का का प्रयास प्रयास किया किया था। था। सांख्य सांख्य दर्शन दर्शन का का जो जो तत्व तत्व मीमांसा मीमांसा है, है जो जो आज आज हम हम चर्चा चर्चा करने करने वाले वाले हैं, हैं, सांख्य सांख्य दर्शन दर्शन के के तत्व तत्व मीमांसा मीमांसा के के अंतर्गत अंतर्गत जो जो 25 25 तत्वों तत्वों की की बात बात कही कही गई गई है, है, और और वही वही 25 25 तत्वों तत्वों की की जो जो उत्पत्ति उत्पत्ति का का क्रम क्रम है, है, स्टेप स्टेप बाय बाय स्टेप, स्टेप, जिसके जिसके बारे बारे में में दो दो पूर्व पूर्व की की कड़ियों कड़ियों में में मैंने मैंने चर्चा चर्चा किया किया था। था। जैसे जैसे फॉर फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल प्रकृति प्रकृति पुरुष, पुरुष, ये ये स्टेप स्टेप बाय बाय स्टेप, स्टेप सबसे सबसे पहले पहले प्रकृति प्रकृति तत्व तत्व की की उत्पत्ति उत्पत्ति हुई हुई है, है, जो जो प्रधान प्रधान है है और और अव्यक्त अव्यक्त है, है, और और दूसरा दूसरा है है विकृति विकृति उसमें, उसमें, जिसमें जिसमें पांच पांच ज्ञानेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, पांच पांच कर्मेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन मन और और पंच पंच महाभूत महाभूत है। है। प्रकृति और प्रकृति और विकृति विकृति महत्तत्व, महत्तत्व, अहंकार अहंकार और और तन्मात्रा तन्मात्रा है। है। ना ना प्रकृति प्रकृति है है और और ना ना विकृति विकृति है, है, ऐसे ऐसे केवल केवल एक ही एक ही तत्व तत्व है है जिसको जिसको पुरुष पुरुष कहा कहा गया गया है। है। हम हम लोग लोग चर्चा चर्चा करने करने वाले वाले हैं हैं पंच पंच तत्व तत्व का का सिद्धांत, सिद्धांत, क्योंकि क्योंकि आज आज हम हम लोग लोग पंच पंच तत्व तत्व के के बारे बारे में में चर्चा चर्चा करने करने हैं हैं कि कि व्हाट व्हाट इज इज दी दी फाइव फाइव एलिमेंट। एलिमेंट। ये ये पंच पंच महाभूत महाभूत हमारे हमारे जीवन जीवन में में कैसे कैसे उपयोगी उपयोगी सिद्ध सिद्ध हो हो सकता सकता है है इसके इसके बारे बारे में। में। तो तो साथियों साथियों सबसे सबसे पहले पहले हम हम लोग लोग समझ समझ ले ले लें लें कि कि पंच पंच महाभूत महाभूत होता होता क्या क्या है है और और ये ये महाभूत महाभूत जो जो पंच पंच तन्मात्राओं तन्मात्राओं से से उत्पन्न उत्पन्न होती होती है, है, तो तो ये ये तन्मात्राएं तन्मात्राएं से से उत्पन्न उत्पन्न होकर होकर शरीर शरीर में में कार्य कार्य कैसे कैसे करते करते हैं हैं इसके इसके बारे बारे में में जाने। जाने। इसमें इसमें सबसे सबसे पहले पहले महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बिंदु बिंदु जो जो आप आप देख देख पा पा रहे रहे हैं हैं स्लाइड स्लाइड में में कि कि हमारा हमारा शरीर शरीर पंच पंच महाभूत महाभूत से से बना बना हुआ हुआ है। है। तुलसीदास तुलसीदास जी जी ने ने कहा कहा है, है, चिति चिति जल जल पावक पावक गगन गगन समीरा, समीरा, पंच पंच रजतिया रजतिया, अदन अदन शरीरा। शरीरा। हमारा हमारा शरीर शरीर पंच पंच तत्वों तत्वों से से बना बना हुआ हुआ है। है। इन इन पंच पंच तत्व तत्व शरीर शरीर में में पांचों पांचों तत्वों तत्वों की की संतुलित संतुलित अवस्था, अवस्था, इसमें इसमें दिया दिया गया गया है पंच पंच तत्वों तत्वों की की सम्यावस्था सम्यावस्था स्वास्थ्य स्वास्थ्य है। है। यदि यदि ये ये पांचों पांचों तत्व तत्व बैलेंस बैलेंस स्थिति स्थिति में में हो, हो, संतुलित संतुलित अवस्था अवस्था में में हमारा हमारा शरीर शरीर स्वस्थ स्वस्थ रहता रहता है, है। इनमें इनमें से से किसी किसी एक एक या या एक एक से से अधिक अधिक तत्वों तत्वों का का असंतुलन असंतुलन ही ही रोग रोग का का कारण कारण है। है। अर्थात अर्थात इन इन तत्वों तत्वों का का असंतुलन असंतुलन ही ही शरीर शरीर में में रोग रोग का का मूल मूल कारण कारण है। है। यदि यदि देखा देखा जाए जाए तो तो रोग रोग का का कारण कारण हमारे हमारे शरीर शरीर में में तत्वों तत्वों का का असंतुलन असंतुलन है, है, क्योंकि क्योंकि तत्व तत्व के के द्वारा द्वारा ही ही इम्यूनिटी इम्यूनिटी बनती बनती है। है। आज आज लोग लोग कहते कहते हैं हैं कि कि इम्यूनिटी इम्यूनिटी पावर पावर बढ़ाई बढ़ाई है, है, तो तो इम्यूनिटी इम्यूनिटी पावर पावर बढ़ाने बढ़ाने का का एक एक ही ही तरीका तरीका है है वो वो आप आप तत्वों तत्वों को को संतुलित संतुलित रखिए। रखिए। शरीर शरीर में में जब जब संतुलन संतुलन आ आ जाएगा जाएगा तो तो आपकी आपकी इम्यूनिटी इम्यूनिटी पावर पावर ऐसे ऐसे ही ही बढ़ती बढ़ती भी भी चली चली जाएगी। जाएगी। तो तो मित्रों मित्रों आइए आइए ये ये पंच पंच तत्व तत्व हमारे हमारे पास पास हैं हैं जो जो इस इस प्रकार प्रकार आप आप चित्र चित्र में में देख देख रहे रहे हैं। हैं। इन इन पंच पंच तत्वों तत्वों का का जो जो क्रम क्रम है, है, उसमें उसमें से से सबसे सबसे पहला, पहला, क्योंकि क्योंकि तन्मात्राओं तन्मात्राओं में में सबसे सबसे सूक्ष्म सूक्ष्म जो जो शब्द शब्द है है और और शब्द शब्द तन्मात्रा तन्मात्रा से से उत्पन्न उत्पन्न हुआ 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 आकाश आकाश तत्व तत्व है। है। क्योंकि क्योंकि हम हम लोग लोग सूक्ष्म सूक्ष्म से से स्थूलता स्थूलता की की ओर ओर जाते जाते हैं, हैं, क्योंकि क्योंकि मैं मैं यहाँ यहाँ सामने सामने पहले पहले आकाश आकाश की की तन्मात्रा तन्मात्रा शब्द शब्द दिखाया दिखाया है। है। लेकिन लेकिन सांख्य सांख्य दर्शन दर्शन की की विकासवाद विकासवाद के के क्रम क्रम में में जो जो पहला, पहला, जो कि जो जो पांच पांच तीन तीन अहंकार अहंकार है, है, जिसमें जिसमें सात्विक, सात्विक, राजसिक राजसिक और और तामसिक, तामसिक, तामसिक तामसिक अहंकार अहंकार के के अंतर्गत अंतर्गत उसके उसके तमोगुण तमोगुण से से उत्पन्न उत्पन्न होने होने वाले वाले जो जो तत्व तत्व है, है, वो वो था था आपका आपका तन्मात्रा, तन्मात्रा, जिसे जिसे हम हम लोग लोग शब्द शब्द तन्मात्रा तन्मात्रा जी जी कहते कहते हैं। हैं। इन इन सब सब तन्मात्रा तन्मात्रा के के द्वारा द्वारा सबसे सबसे उत्पन्न उत्पन्न होने होने वाले वाले जो जो तत्व तत्व को को हम हम लोग लोग कहते कहते हैं हैं पंच पंच तत्व, तत्व, पंच पंच तत्व, तत्व,
आकाश है। अब अब मित्रों मित्रों आकाश आकाश है, है, इसके इसके बाद बाद उसकी उसकी ज्ञानेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों और और कर्मेंद्रियों कर्मेंद्रियों के के बारे बारे में में आपके आपके समक्ष समक्ष हमने हमने पूर्व पूर्व की की कड़ी कड़ी में में चर्चा चर्चा किया किया था। था। आकाश आकाश तन्मात्रा तन्मात्रा है है तो तो आकाश आकाश तन्मात्रा तन्मात्रा उसकी उसकी जो जो ज्ञानेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां हैं हैं वो वो आपके आपके कान कान है, है, क्योंकि क्योंकि शब्द शब्द को को श्रवण श्रवण करने करने की की क्षमता क्षमता कान कान के के पास पास है। है। तो तो कान कान इसकी इसकी क्या क्या है? है? ज्ञानेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय है। है। ज्ञानेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों के के बारे बारे में में मैंने मैंने चर्चा चर्चा किया किया था, था, वह वह जो जो बाह्य बाह्य विषयों विषयों को को ग्रहण ग्रहण करता करता है है और और वो वो हम हम तक तक पहुंचाता पहुंचाता है। है।
हम तक कनिक मतलब आत्मा तक उसका संदेश के स्वरूप का प्रत्यक्षीकरण कराने वाले जो कारक है वो क्या इंद्रिया है, और कर्मेंद्रिया उससे प्रतिक्रिया स्वरूप परिणाम स्वरूप जो बाहर रिफ्लेक्शन होता है जिससे क्रिया से जिसकी क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करता है वो उसकी कर्मेंद्रिया है। तो ज्ञानेन्द्रिय जब कान सुनता है तो उसका रिफ्लेक्शन कहाँ भी होता है, हमारे वाणी के माध्यम से, इसलिए वाक उसकी कर्मेंद्रिय है। तो मित्रों में ये मालूम पड़ गया कि ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय कौन से है। अब इसके बाद दोनों की जो क्वालिटीज है, गुणधर्म है, उसको आप जान लीजिए। यदि आप ऐसे जान जाते हैं तो आप समझिएगा व्यक्ति के व्यवहार को जान सकते हैं, उसके व्यक्तित्व को आप पहचान सकते हैं। गुणों के बारे में चर्चा करें, जो आकाश तत्व है मृदु मीन्स सॉफ्ट, लघु स्मॉल सूक्ष्म होता है, सतल है, और संलक्षण मतलब होता है चिकनापन। अब चिकनापन अगर मैं सामान्य क्रम में भी दिखाऊं, मैं आपको अब चिकनापन की बात कर रहे हैं, बॉडी में देखा जाए इसी कर्म की बात देख लें, पहले मार्ड ऑफ सॉफ्टनेस, यदि शरीर में सॉफ्टनेस लाना है तो आहार तत्व को बढ़ाना पड़ेगा। शौचीर लाघवन हल्का पद में प्राणायाम से प्राप्त होता है हल्कापन, क्योंकि आहार तत्व है तो शरीर हल्कापन भी होता है। यदि इसी को देखा जाए, जहां तक मैंने कहा लक्षण चिकनापन, यदि शरीर में देखा जाए तो एक तो नंबर आकाश से हमें एक मालूम पड़ता है कि स्पेस खाली है, शरीर में जहां कहीं भी स्पेस है, खाली जगह है, वो चाहे आपका माउथ के अंदर हो या लंग्स में हो, बड़ी आंत में हो या हड्डियों में छोटे छोटे बारीक बारीक छिद्र हो, ये सारे सारे आकाश तत्व के प्रतिनिधि है। अब आकाश तत्व यही साथ साथ यहाँ पे शलभ चिकना पर है, इसका मतलब ये है कि जितने भी बॉडी के अंदर म्यूकस है म्यूकस भी आकाश है, क्योंकि चिकना पर है और चिकना पर यदि आकाश है तो निश्चित तौर से आपके म्यूकस, चाहे म्यूकस मेम्ब्रेन हो या वो आपके एनस पार्ट से निकलने वाली चिपचिपा जो पदार्थ होता है या नाक से निकलने वाली जो चिपचिपा व्हाइट लिक्विड फॉर्म में होता है, ये सारे आकाश तत्व का प्रतीक है। इसका मतलब जब कभी भी शरीर में इसके दिखता हो जाए तो समझना चाहिए कि आकाश में दिखता है, और जहां वहां पे ड्राइनेस आने लग जाए, रूखा बनाने लग जाए, तो समझिए कि वहां पे आकाश तत्व कम हो रही है। इसके संबंधित दो महत्वपूर्ण अर्गन है, एक को हम लोग लंग्स कहते हैं, लंग्स है जो शरीर में स्थित हमारे पास है, और दूसरा हमारे लार्जेस्ट, ये दोनों जिसमें सबसे खाली अधिक खाली जगह है। आप देखिए पूरे शरीर को देखिए, इन पूरे शरीर के प्रत्येक पार्ट में सबसे ज्यादा देख पाएंगे खाली जगह को आपका लंग्स है, इसलिए आकाश है। और लंग्स जो है वो हवा लेने का, वायु जो बाहर बाहर से अंदर लेने का, अंदर का मंडल से बाहर निकालने का कार्य करता है। तो ऑक्सीजन इनहेल और एक्सहेल का प्रोग्राम कार्यक्रम जो है वो लंग्स के द्वारा होता है, जब इसकी विकृति होती है त्वचा संबंधी रोग होता है। देखिए आकाश की एक महत्वपूर्ण क्वालिटी आच्छादन, आच्छादन रखता है, वो ढक के रखता है हमारे शरीर को, जितने ढक के रखता है वे सारे तरह हमारे कौन से है, आकाश तत्व है। आकाश हमारे क्या है, कवरिंग है, शरीर को जो कवर करता है वो आकाश, तो हमारे शरीर को कवर कौन कर रखा है, हमारे शरीर को कवर कर रखा है वो स्किन है, तो स्किन जो ऊपर का पार्ट है वो सारे सारे आकाश तत्व के प्रतीक है। और लाल स्टाइन देखिए, अगर मल का मल त्याग कर दिया जाए तो पूरे के पूरे एरिया वो खाली हो जाता है, जो कि आकाश तत्व का है। तो आकाश तत्व इसलिए कहते हैं कि फास्टिंग करना चाहिए। फास्टिंग से दो प्रक्रियाएं होती है, एक तो आपके आकाश लंग्स की कैपेसिटी और आधे खाली हो जाए उससे भी आकाश की अधिकता हो जाती है। तो तात्पर्य कहने का मतलब है कि हमें इन तत्वों की गुणधर्म, अगर माने ये व्यक्ति जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं इसके कौन कौन से क्वालिटीज क्या क्या होगा इसके बारे में हम अगले स्लाइड में देखेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं बॉडी पार्ट, कौन कौन से बॉडी पार्ट होता है, सबसे पहले है स्किन। मैंने कहा था कि हमारे कवरिंग कवर करता है, तो स्किन की दूसरी बात नॉस्टिक, हमारे जो इंटरनल बॉडी पार्ट है इसमें हमारा जो स्किन और नॉस्ट्रिल नाक के अंदर का पार्ट नाक है, मैंने कहा लंग्स है क्योंकि लंग्स का ओपनिंग हमारे नॉस्ट्रिल वाला नाक के माध्यम से होती है, उसमें ट्रैकिया लैरिंग्स और स्वीट ग्लैंड्स अर्थात जो अश्रु ग्रंथि है या फिर हमारी जो ग्रंथि है पसीने ग्रंथि है वो सारे सारे
जिससे पसीना बाहर आती है, ये सारे इसके बॉडी पार्ट के अंदर में माना गया है। इसका मतलब ये है मित्र, की व्यवहारिक स्वरूप में देखना है तो आपको ये ज्ञात हो जाना चाहिए कि जब इन बॉडी पार्ट में गतिविधि हो रही है तो आपको समझना ये होगा कि शरीर में आकाश तत्व की या तो कमी हो रही है या तो फिर अधिकता, और अधिकता और कमी को हम एनर्जी को पहचानेंगे, क्योंकि एनर्जी क्योंकि ये एनर्जी का पांच स्वरूप है। ये पंच महाभूत हो या महाभूत ही मत समझिए, दिस इज एनर्जी ऊर्जा। अब मैं यहाँ एक बात बताना जरूरी समझता हूँ मित्रों कि व्हाट इज दिस एनर्जी कॉन्सेप्ट समझिए एनर्जी का, किसे कहते हैं हम लोग एनर्जी ऊर्जा क्या है। एनर्जी इज कैपेसिटी टू डूइंग वर्क, कार्य करने की जो क्षमता है उसे हम लोग ऊर्जा कहते हैं। हमारी जो क्षमता है जिस बॉडी पार्ट में जिसकी कार्य करने की अलग अलग क्षमता है वो क्षमता उसकी एनर्जी की अभिव्यक्ति होती है। तो ये पंच महाभूत का पहला जो तत्व एनर्जी के रूप में सामने आए हैं वे आपके पंच महाभूत में आपको आकाश हम उसे आकाश कहते हैं। इसके रूप में रिस्पॉन्सिबल जो साउंड है वो कैसा होगा, कॉफिंग होगा, स्नीजिंग छींकने का, और सोबिंग रोने का, वीपिंग जिसमें हम लोग साउंड रूप में पहचान सकते हैं, खांसते रहना, कफिंग मतलब बार बार खांसना, खो 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 खो, ये जो प्रक्रिया होती है ये सारे इसी एलिमेंट का ही कॉन्सेप्ट है। दूसरी बात लेटेंट इमोशंस, यदि इस व्यक्ति किसी प्रकार इमोशनल प्रॉब्लम हो जाएगी तो उसकी एंजाइटी होगी। दूसरी बात ये इसमें नाराजगी की क्वालिटी हो, जल्दी जल्दी नाराज, कोई भी बात को लेकर छोटी बात वो नाराज हो जाती है, डिजायर ऑफ ओवर एचीव, उनकी इच्छाएं बहुत ज्यादा होती है, फीलिंग ऑफ हेल्पलेस, वरी परेशान भी रहता है। आप देखना कभी किसी व्यक्ति को एस्टिमेटिक व्यक्ति है उसे लगता है कि सारे जिंदगी दुनिया के सारे भार बोझ उन्हें ही मिल गया है। तो इस प्रकार से तो बहुत सारे चीजें, वैसे इसके कंपैरिजन आ रहा है इसको दया के भाव भी इसके अंदर में है, सैडनेस आ जाती है इसके अंदर में, डिप्रेशन भी होता ही नहीं है। तो अगर ये क्वालिटी ये प्रॉब्लम इनके पास में समझ दिखाई पड़ता है तो समझ लीजिए व्यक्ति कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो हम इसे योगी तकनीकों के माध्यम से, इसे वैकल्पिक चिकित्सा के माध्यम से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि शाम के दर्शन में एक स्थान दिया है तत्वों का, लेकिन व्यवहारिक स्वरूप तो हमें नहीं खाना पड़ेगा। ये फिजिकल सिम्टम क्या क्या होता है, चेस्ट चेस्ट कंजेशन, सीने में भारी बन सकता है, कफिंग, पेन ऑफ द चेस्ट में दर्द भी हो सकती है, डीप इनहेलिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, सांस लेने में आपको इनहेल में और एक्सहेल दोनों प्रक्रिया में हो सकती है, हेमोरॉइड बवासीर हो सकती है, साइनस नजला जुकाम जो प्रॉब्लम होती है, नाइट स्वेटिंग रात में पसीना आने की प्रॉब्लम भी, लंग्स भी इसी आकाश तत्व की प्रॉब्लम है। तो मित्रों इतने सारे आप देख पा रहे हैं जो मैंने बताया था, एक और नया सिस्टम जो मेटाफिजिकल है, मेटाफिजिकल पराभूतिक, एक तो भौतिक तत्व का निगम पराभूतिक तत्वों के बारे में जो दिखाई नहीं पड़ रहा लेकिन वो भी है। क्या हो सकता है, वो अंडर एक्टिविटी, जो व्यक्ति सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा वो कम वर्क करते हैं, कम कार्य करता है, तो कहीं ना कहीं उसके लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन संबंधी एनर्जी डाउन है, अब आकाश तत्व को बढ़ाने वाले कौन कौन सी प्रक्रिया हो सकती है, इस वीडियो में बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए उनके जो थेरेपेटिक यूज है मैं अभी जब चर्चा करूंगा, वक्त आने पर जरूर मैं आपके सामने ऐसे ही कुछ वीडियो का निर्माण करूंगा जिसके माध्यम से अलग अलग तरीकों का अलग अलग वैकल्पिक चिकित्सा की थेरेपी वैकल्पिक चिकित्सा के माध्यम से उसका उपचार कर सकते हैं। तो इस प्रकार बहुत सारे इसका मेंटल कोलैप्स कहते हैं, मानसिक रूप से व्यक्ति विकलांग हो जाती है,
ये सारे इसके जो मेटाफिजिकल एलिमेंट है, इसके जो सिम्टम्स हैं, इसके बारे में मैंने चर्चा किया है। अगला जो तत्व हमारे पास है वायु, एयर। अब वायु तत्व है तो वायु की जो तन्मात्रा है वो है स्पर्श है। तो इस स्पर्श वायु की तन्मात्रा इसकी ज्ञान इंद्रिया है, वो त्वचा है। तो ज्ञान इंद्रिय त्वचा से हम स्पर्श जब कभी भी कर रहे हैं, भाव कहता है कि देखिए कि हवा बह रही है या नहीं, तो आप क्या करते हैं, इसी से कहते हैं हाथ पर जैसे फैला लेते हैं, ऐसा करते हैं, देख देख यहाँ हवा चल रही है, इसके माध्यम से होता है, इसके माध्यम से। तो ये हमारे ज्ञानेंद्रिय है जो बाह्य विषयों को विषयों से हमें अवगत कराता है। तो कर्मेंद्रिय इसका क्या है, हाथ, सबसे पहले हाथ ही पड़ता है। तो व्यवहारिक स्वरूप आपको ध्यान रखना पड़ेगा ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय का। इसकी कुछ क्वालिटी देख लें ताकि हम पहचान सके। ये लघु होता है, शीत मतलब थोड़ा सा ठंडापन लिया हुआ, रुक्ष मतलब ड्राइनेस। अब ड्राइनेस कहाँ कहाँ हो सकती है उसको हम चर्चा करेंगे। विशद ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शिता, आर पार देखा जा सकता है, वैसे पारदर्शिता की क्वालिटी आकाश में भी है। लावा हल्का पर होता है, सूक्ष्म होता है, और ये स्पर्श करने के लिए इसके अंदर होता है स्पर्श है। मित्रों आपको कुछ ऐसा लग रहा हो कुछ चीजें की क्वालिटी आकाश की है, आप कहेंगे सर आकाश की क्वालिटी को यहाँ पे क्यों बता रहे हैं। मित्रों साथियों आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब सृष्टि का विकास क्रम महर्षि कपिल ने जो चर्चा की है उसमें जो सबसे पहले तन्मात्रा जो जीव होने वो शब्द है। अब शब्द तन्मात्रा के बाद जो दूसरा तन्मात्रा जो स्पर्श है, तो स्पर्श तन्मात्रा है उसमें जब तत्वों की उत्पत्ति का क्रम है तो उसमें सबसे पहले आकाश और आकाश के साथ वायु, आकाश साथ जो वायु है अर्थात जो शब्द तन्मात्रा और स्पर्श तन्मात्रा मिलकर वायु का निर्माण कर रहा है। इसमें दो एलिमेंट है इसके अंदर में, इसलिए आकाश के गुण भी इसके अंदर में समाहित होने चाहिए। इसका मतलब वायु वहीं पे होगा जहाँ पे आकाश होंगे, जहाँ खाली जगह नहीं है। व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो वहाँ पे वायु का हो पाना यानी उसका रह पाना मुश्किल है, तो खाली जगह पे वायु का संचरण होता है। तो इसके बाद कर्म से क्या है, इसमें रॉक ड्राइनेस होती है। अब ड्राइनेस आपकी स्किन की ड्राइनेस हो या आपकी बाल की या चेहरे की ड्राइनेस हो, झुर्रियां जिसे हम लोग कहते हैं, या फिर बाल का कटना, होंठों का कटना, ये सब ड्राइनेस ही है। या एक ड्राइनेस ऐसा होता है विचारों की ड्राइनेस होता है, अरे बहुत कर लिया हमने, अब हमारा जमाना गया, हमारा जमाना आया है, हमने बहुत किया जिंदगी में, ये भी एक तरह से ड्राइनेस है। भूखापन बन जिसे कहते हैं, ग्लानि फटी, कोई बात कह दिया और कह रहे हैं जैसा नहीं कहना चाहिए था, बोलते वक्त नहीं सोचता हूँ लेकिन बोलने के बाद सोचता है कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। थॉट्स, एक्सेस थॉट्स भी ज्यादा आ रहे हैं मेरे अंदर में, तो भी समझना वो वायु तत्व की मात्रा बता रहा है। वैशद्य मतलब क्लियरिटी, वो थोड़ा सा क्लियर होता है, कोई बात कहता है या जो कहता है ज्यादा भी साफ साफ हो, या मैं भी कुछ साफ साफ कहने वाला इंसान हूँ, व्यक्ति ऐसा कहने लगा समझ में कहीं भी वायु तत्व उसके पास है। ट्रांसपेरेंसी, क्लियर ट्रांसपेरेंसी का तात्पर्य यही है, व्यक्ति की पूर्ण पारदर्शी होता है, लागो लाइटनेस हल्का होता है, कभी कभी बात को हल्का भी ले लेता है। तो भाई ये जो क्वालिटी है, ये क्वालिटी यदि आपको याद है एक तरह से आप बॉडी लैंग्वेज व्यक्ति की व्यक्तित्व को पहचान सकते हैं। इसके संबंधित दो ही मार्गन है, एक हम लोग हृदय कहते हैं हार्ट है, और दूसरा हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है। इसमें गति देख लीजिएगा, दोनों आर्गन ऐसे हैं जिसमें गतिशीलता 24 आवर्स है। हार्ट तो है जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत मरने तक वो धड़कता रहता है, जिस दिन दिल का धड़कन बंद हो गया समझना वही मेरे आना सत्य हो जाता है। और इस मन स्टाइन देखिए वहाँ पे पूरे भोजन का अवशोषण होता है, ये भी 24 आवर्स, खाना खाए हो तो भी या ना खाए तो भी पानी नहीं मिले तो भी उसका अवशोषण कर रहे हैं। तो कहने का मतलब उपाय तत्व देख ले, गतिता का पता है जहाँ पे गतिशीलता है वो सारे के सारे उपाय तत्व वहाँ पे नहीं देता है। इसके बाद अगला जो इसमें इसके जो बॉडी पार्ट है
उस बॉडी पार्ट के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें है वेस्कुलर सिस्टम और दूसरा जो है वेस्कुलर मतलब मसल्स, जो हमारे मसल्स है, क्योंकि मैंने स्किन की बात की, वायु स्किन का है, जितने भी मूवमेंट या फिंगर किस तरह का मूवमेंट जो आ रहा है ये मूवमेंट वायु तत्व प्रतीक है। टंग जीभ, दूसरी बात है वोकल कॉर्ड और कौन से आपका रेस्पिरेशन, ये सारे सारे जो बॉडी ऑर्गन से ये बॉडी पार्ट जो इसके अंतर्गत है वायु तत्व के। वोकल कॉर्ड को दिया गया है क्योंकि साउंड है, आवाज बोलते हैं, वहाँ पे गति बंधन, जहाँ पे बंधन ज्यादा होती है वो वायु तत्व के रूप में उसे स्वीकार किया गया है। अब उसके बाद इसके रिस्पॉन्सिबल जो साउंड है वो कैसा है, इसमें दिया गया है, इसमें बैबलिंग दिया गया है, लॉफिंग या फिर बबलिंग मतलब बड़बड़ाना, कुछ लोग की आदत होती है वो बड़बड़ाना रहता है कुछ बात को लेकर के, एक ही बात को कई बार रिपीट करता रहता है, कराना थोड़ा भी लग गया थोड़ा छोटा गया, मतलब कहने के तात्पर्य है कि वो व्यक्ति छोटी चीज भी की चिकना चिल्लाने लग रहा है, जैसे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों में आप देखिए चंचलता उसके अंदर में होती है, और छोटे बच्चों को कहीं चोट लग जाए तो देखा छोटी सी होती है लेकिन चिल्ला रहा था कितना चिकना था कितना है, बोलते ओ मम्मी यहाँ पे बहुत दर्द हो रहा है। कहने का तात्पर्य ये है कि वायु तत्व जो है इस रूप में अभिव्यक्त होता है छोटे बच्चों में, विशेषकर वायु तत्व की प्रधानता दी है। रिलेटेड इमोशंस क्या हो सकता है इसमें, आप देख सकते हैं इसमें, इसमें अल्टरनेट सैडनेस, थोड़े थोड़े देर में सैडनेस भी होता है, खुशी भी होता है, हंसी है, जॉय प्रसन्नता इसके अंदर में होती है, गुडविल अत्यधिक सद्भावना इसके अंदर में आती है, एंगर एंड रेज गुस्से और रोज भी होता है, टू लर्न of the emotions being dynamic, hysteria इसमें जो problem हो सकती है, और excess or deficiency of laughter, दो चीज हो सकता है, वो ज्यादा हंसने वाला भी हो सकता है, कम हंसने वाला भी हो सकता है, दोनों प्रक्रिया है। अब ये होता है एनर्जी अप एंड डाउन पे डिपेंड करता है, एनर्जी अधिक है या कम है, यदि अधिक है तो बातों बातों पे हंसते रहेगा, वो हंसते हुए बातें करेंगे, वो अगर नहीं है तो बातें ही कम करेंगे, तो बात कम करने वाली प्रक्रिया ये आपको वायु तत्व से मिलता है। अगर आवाज सही नहीं है तो भी आप वायु तत्व की प्रॉब्लम आपको समझना चाहिए। फिजिकल जो इमोशंस हमारे पास है, स्वेलिंग ऑफ द नोज, नाक में सूजन है, पाम एंड एंगर, हील पेन एडी का दर्द हो जाए, अगर स्वेलिंग अगर आप दिखाता है हाथों में या फिर तो ध्यान रखना ये भी कहीं ना कहीं इस वायु तत्व से संबंध रखता है। नाइट स्वेटिंग भी यहाँ पे जो कि आकाश तक तो अपनी चर्चा पहले ही किए थे। हॉट एंड स्वीटी पानी, गर्म रहे या फिर ज्यादा पसीना आया है खिड़कियों में तो ये ध्यान रखिएगा, ये इसी तत्व का प्रकृति जिसे हम वायु कहते हैं। कुछ लोग बैठे बैठे जल्दी हुए कर गए, हाई ब्लड प्रेशर का संबंध भी इसी तत्व से है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर समझ कर देंगे कि एक्सेस थॉट होता है, बेहतरीन विचार अनावरण आता रहता है, और थॉट जो मैंने कहा वो आपके वायु तत्व है। इसकी व्यवहारिक रूप में हम देखिए सिंपल है, हमने किसी तत्व के गुणधर्म को जाना और उस पूरे व्यक्ति की व्यक्तित्व को जान सकते हैं। आप प्रश्न हमारे सामने एक ही रूप है, सर इसकी चिकित्सा कैसे करें, चिकित्सा चाहे योग के रूप में कर लीजिए, प्राणायाम आसन बंद मुद्रा बहुत सारे, वैकल्पिक चिकित्सा एक्यूप्रेशर शांत चिकित्सा बहुत सारे थेरेपी है, उन थेरेपी द्वारा हम चिकित्सा करते हैं, इसको ठीक किया जा सकता है। अगले क्रम में हम लोग चर्चा करते हैं नंबर थर्ड अग्नि तत्व है, तो अग्नि तत्व उसकी तन्मात्रा है रूप है। व्हाट इज द रूप, रूप का मतलब क्या है, रूप बहुत सारे इसमें कंफ्यूजन है, रूप का मतलब होता है जैसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रेडियंस, चमक, जितने भी चमक है शरीर में चाहे स्किन में चमक या चेहरे का ग्लोनेस है, दैट इज रूप, इसको हम लोग रूप कहते हैं। आभा, ये रूप के स्वरूप में हम लोग उसको सामने देख पाते हैं।
अगर चेहरे में किसी प्रकार की चमक है या कहीं पे ब्लैकनेस आ रही है चेहरे में या चेहरे में या फिर स्किन पे, हमें ये समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं अग्नि तत्व की कमी है। जिसके अंदर अग्नि तत्व की अधिकता है चेहरे में चमक देखिए, ग्लोनेस देखिए, उसके अंदर बहुत ज्यादा ग्लोनेस होती है। इसकी ज्ञानेंद्रिय है, ये है चक्षु है। तो किसी स्वरूप को देखने का प्रकाश और आंखों में जो चमक होती है वो चमक, क्योंकि उस चमक के माध्यम से ही हम लोग देख पाते हैं किसी या उसके स्वरूप को। तो इसकी ज्ञानेंद्रिय इसको प्रतिभासित बाह्य तत्वों से हम तक पहुंचाने का कार्य ज्ञानेंद्रिय जो चक्षु के माध्यम से होता है और कभी भी देखिए जब रजनी के लिए तलुए में गति का प्रतीक हमारे सामने है, गतिशीलता है। और इसकी जो क्वालिटी है, गुणधर्म क्या क्या है, गुणधर्म जान लेंगे बहुत जान सकते हैं। देखिए इसकी जो एटीट्यूड्स है वो है उष्ण, गर्म होता है, तीक्ष्ण है, सूक्ष्म है, विशद है, और ये इसकी तन्मात्र रूप है। तो कहने का तात्पर्य ये बस है, ये उष्ण है, उष्णता, दाहकता, जलनशीलता। इसकी सबसे मित्रों इसकी सबसे अच्छी क्वालिटी है वो है आपका, जिसे हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण होते हैं, बदल देता है। अग्नि में कुछ कुछ डालो बदल देता है। इसका मतलब जिसके अंदर में अग्नि तत्व की अधिकता है तो उस व्यक्ति के अंदर में ये ट्रांसफॉर्मेशन, कोई बात सुना किसी की बात सुन दिया तो उन्हें कुछ चेंज करने की इच्छा था उसके अंदर में होती है। तो ट्रांसफॉर्मेशन अग्नि तत्व के आग में डाल दिया तो सब जल जाता है और जल से उसका स्वरूप बदल जाता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो अग्नि तत्व का प्रतीक है। इसके कर्म देख लीजिए, दाह बरने जलाता है, पाक पाक मतलब पकाना, डाइजेशन, भोजन भी पच नहीं रहा है, इन डाइजेशन की प्रॉब्लम है आपको अग्नि तत्व का कमी, अग्नि तत्व को बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है, सिंपल है, कपाल भाग लगाइए, टीका प्राणा नहीं है, सूर्य वीर विराने नहीं कीजिए। अगर सुबह सुबह योग में करना चाहते हैं सिंपल सा सीखा बता रहा, बाकी तो अन्य तरीके में बहुत सारे उसके ऑप्शन हमारे पास सामने हैं। प्रभा रेडियंस, चमक, प्रकाश, लाइट, वर्ण लाइट, तो ये सब कुछ हमारे सामने में होता है, वो सॉरी अग्नि तत्व की वजह से होता है। इससे संबंधित हमारे बॉडी में आर्गन है, वो दो आर्गन महत्वपूर्ण है, लीवर और गॉल ब्लैडर। इसमें हम लोग लीवर और गॉल ब्लैडर का गहरा संबंध होगा है, लेना है इसमें। कभी और मौका मिलेगा तो हम कोई सारे समझूंगा। आज तो मैं आपके सामने रिकॉर्डिंग सांग इन पंच महाभूत का व्यवहारिक सूत्र कैसा हो सकता है, रिलेट करके जीवन में कैसे देख सकते हैं, इतना ही बताने का मैं प्रयास यहाँ पे कर रहा हूँ। इसके जो बॉडी पार्ट है, ये बॉडी पार्ट में मैंने कहा ना चक्षु, ज्ञानेंद्रिय, तो चक्षु ज्ञानेंद्रिय है। तो इसके जो मसल्स, क्योंकि मसल चमक जो होती है हमारी स्किन में है। इसके बाद फिंगर, उंगलियां एंड टॉय नेल्स। अच्छा एक चीज महत्वपूर्ण बता दूं कि जो हमारे लीवर है, लीवर का मल हमारे नेल्स नाखून है। मित्रों नाखून को देख करके लीवर के होने वाली सारी प्रॉब्लम हमारे नाखून में इंटीग्रेट होता है। इसके नाखून को देख करके हम उसके लीवर की गतिविधियों के बारे में, उसके शरीर के बारे में, उसकी डाइजेशन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत कुछ बताया जा सकता है। आयुर्वेद में डायग्नोसिस का एक पार्ट हमारा ये नाखून भी होता है। तो नाखून यदि किसी व्यक्ति का टूट रहा है बिना वजह से, तो आपको कहीं समझना पड़ेगा कि व्यक्ति का कहीं ना कहीं लीवर से संबंधित प्रॉब्लम है, या व्यक्ति कभी ऐसे नाखून काटने लगे तो समझिएगा व्यक्ति के अंदर में क्या है, वो लीवर से संबंधित, गॉल ब्लैडर से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, उनको चिंता, तनाव, कुछ तो है, टेंशन है उनको, वो अपने मुंह से नाखून को उतर करने लगा है, या सिंपल कुछ व्यक्ति को नाखून ऐसे ही टूटने लगा है। और जिसका नाखून उसके चमक रहा है और लंबी लंबी अच्छी अच्छी नुकली नाखून है, तो समझना उसका लेवल जो है स्ट्रॉन्ग है। तो ये सिम्टम बहुत सिंपल है, टेंडन्स एंड साइनस, ये सारे जो आपका अग्नि तत्व को देख लीजिए, इसको हम लोग जान सकते हैं। फिजिकल फंक्शन क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल मूवमेंट एंड ग्रीनेंस ऑफ ब्लूजिंग्स
कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग डाइजेशन भोजन को पचाने का कार्य करता है। स्पेशली ये बॉइल्ड जो हमारे शरीर में पित्त का निर्माण करता है इसी अलग अलग तरह के रूप में हम लोग उसको देखते हैं। इसके रिस्पॉन्सिबल साउंड फोर्स होता है ये चिल्लाना है। अब शब्द है कुछ भी होता है हर बात पे काली लग जाता है। प्यार की भाषा वो भी काली सुन जाता है और इसकी जो फ्लैचुरेंस दिया गया है इसमें पेट अगर पेट बार फूल रहा है बिना किसी वजह से तो समझना नहीं को आपको लीवर से फ्लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये इसके जो पर्टिकुलर साउंड है ये साउंड हम देख सकते हैं या बार बार गैस अप या डाउन एरिया से अगर गैस नहीं निकल रही आ रही है तो इसका भी संबंध कुछ लोग होता है बस खाया भी क्या डाटा इस तरह से साउंड लगाता है। तो इस साउंड जो है संबंध रखता है हमारे लीवर से एंड गॉल ब्लैडर से। इसके बाद रिलेटेड इमोशन क्या होता है खुद ज्यादा गुस्सा करता है क्योंकि अग्नि की तरह है आग का मतलब होता है क्रोध और जब क्रोध ज्यादा हो जाता है क्रोध की तृप्ति नहीं हो पाती किसी चीज की नहीं नहीं पाता था तो भी बहुत समय में क्रोध करने वाला भी बेहतर समझा जाता है। इम्पोर्टेंस और शॉर्ट टेम्पर गुस्सेले होते हैं थोड़े देर में गुस्सा आता है किसान होता है घृणा करने वाला होते थे घृणा की बहुत ज्यादा अंदर में आती है। प्रबलता इसके अंदर में मिलनशीलता होती है मिलनशीलता ये होती है जिसको मिलता है वो अपना बना लेता है अपना बनाने में बदल देता है उसके अनुसार नहीं बनता सामने वाले को अपने अनुसार बना लेता है। आग की एक क्वालिटी है आग में कुछ डालो तो आग उसके अकॉर्डिंग नहीं वो अपने अकॉर्डिंग सबको बना लेता है सबको लाल बदल देगा तो मिल तो जाता है लेकिन मिलनशीलता के स्तर पर ये है वो अपने शर्तों पे मिला है। गहरी असुरक्षा इसमें जब किसी नेगेटिविटी की भाव आता है तो अपने जीवन में एक असुरक्षा असुरक्षा का भाव वो आपको फील करने लग रहा है। फिजिकल सिम्टम हो सकता है कॉन्स्टिपेशन है डायरिया है बीटर मुंह में मौत में जो कड़वा टेस्ट आता है ये सारे सारे इसमें डिजीनेस है नाइट ब्लाइंडनेस है दांत होते हैं व्यक्ति के अंदर में अंधापन होता है। तो ये सारे सिम्टम्स इंसोमनिया या मसल्स स्पाम मसल्स मतलब स्किन में कहीं खिंचाव आ रही है पैर में हाथ में ये भी इसका संबंध यहीं से होता है। मेटाफिजिकली सिम्टम देखा जाए तो ये होता है डायनेमिक डिजाइन एंड पुशिंग फॉरवर्ड मेकिंग गुड डिसीजन। सबसे अच्छी क्वालिटी की मैं बता दूं ये है मेकिंग गुड डिसीजन ये अच्छा डिसीजन लेने वाला होता है क्योंकि मैंने कहा ना कि ये ट्रांस इसके अंदर में जो क्वालिटी होती है ट्रांसफॉर्मेशन से होता है बदल देता है और बदल के जो सही चीज होता है वो सही रह जाता है। दिस इज गुड जो डिसीजन है मेकिंग पावर है डिसीजन मेकिंग का जो क्षमता है वो सबसे अच्छा इसके अंदर है। एग्रेसिव ड्राइव एग्रेसिव ड्राइव का मतलब यहाँ समझ सकते हैं एक तरह से वो व्यक्ति वो किसी का भी यदि प्रतिनिधित्व करता है तो और उसके अंदर वो एग्रेसिव मतलब वो बड़ी तेज रफ्तार से कर सकते हैं इस प्रकार की क्वालिटी इस तत्व के अंदर विद्यमान होता है। मित्रों अगला जो और चौथा नंबर जो तत्व है वो है जल तत्व है वाटर से कहते हैं इसकी सम्मान रहता है भाई ऐसा सिंपल सा है जल है कोई टेस्ट है तो उसको कहां से ले लेंगे वो जो रस के रूप में होगा नंबर वन रस कहते हैं कि स्वाद नहीं है स्वाद मतलब सिंपल है रस है वैसे हमारे हिंदी साहित्य में गंदा रस की बात करते हैं इसमें तो रस तो है बट एक रस जो जल का है वो भी इसकी तन्मात्रा है इसी रस तन्मात्रा से जल की उत्पत्ति होती है लेकिन इसके साथ साथ इसमें और भी तत्व है आपको मैं बता दूं जैसे पूर्व की मैंने आपको शिक्षण तकनीक में बताया था चर्चा किया था कड़ी में उसने बताया गया कि जल तत्व की उत्पत्ति आकाश अर्थात शब्द स्पर्श रूप और प्लस आपका रस इस चारों से मिलके ये जल तत्व का निर्माण होता है। इसके साथ ज्ञानेंद्रिय इसकी कौन से जब रस को टेस्ट करना है इसलिए टेस्ट करते हैं हम रस में प्राप्त होता है उसका एक ही मतलब होता है जीभ। तो जीभ क्या है वो बाह्य विषय को आपका वहन करा रहा है उसका प्रत्यक्षीकरण करा रहा है जैसे ज्ञानेंद्रिय तो वो ज्ञान करा रहा है इसलिए वो ज्ञानेंद्रिय जीभ है
और जीवा जीवा है है तो तो कर्मेंद्री कर्मेंद्री क्या क्या होगा? होगा? ये ये जीवा जीवा अगर अगर जीभ जीभ में में कहीं कहीं उल्टा उल्टा सीधा सीधा खाने खाने की की आदत आदत लग लग गई गई तो तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम आना आना होती होती है, है, पेट पेट खराब खराब होगी। होगी। एनस एनस में में बवासीर बवासीर की की प्रॉब्लम प्रॉब्लम हो हो जाती जाती है, है, उदा उदा संबंधी संबंधी एनस एनस संबंधी संबंधी प्रॉब्लम प्रॉब्लम वहां वहां पे पे आ आ जाती जाती है। है। तो तो मित्रों मित्रों देखिए, देखिए, एक एक दूसरे दूसरे का का गहरा गहरा संबंध संबंध है, है, तो तो इस इस संबंधों संबंधों को को हमें हमें जानना जानना पड़ेगा पड़ेगा और और संबंध संबंध को को समझ समझ गए गए ही ही तत्व तत्व होगा, होगा, क्योंकि क्योंकि जीवन जीवन में में संबंधों संबंधों का का महत्व महत्व है। है। संबंध संबंध को को जो जो समझ समझ गया, गया, चाहे चाहे संबंध संबंध व्यवहारिक व्यवहारिक जीवन जीवन का का हो हो या या नियंत्रकों नियंत्रकों का का हो, हो, संबंध संबंध को को निभाना निभाना जानना जानना बहुत बहुत ही ही जरूरी जरूरी है। है। तो तो इसे इसे गुण गुण देख देख लेते लेते हैं हैं साथियों। साथियों। तो तो गुण गुण इसका इसका है, है, एट्रीब्यूट्स एट्रीब्यूट्स देखिए, देखिए, द्रव द्रव है, है, स्निग्ध स्निग्ध है, है, शीत शीत है, है, मंद मंद है, है, मृदु मृदु है, है, पिक्चल पिक्चल है, है, ये ये पिक्चिल। पिक्चिल। अब अब देखिए, ये देखिए, सारे सारे कुछ कुछ ऐसे ऐसे वर्ड वर्ड आपको आपको लग लग रहा रहा होगा होगा कि कि एक एक नया नया सा सा वर्ड वर्ड है, है, द्रव द्रव मतलब मतलब लिक्विड लिक्विड फॉर्म फॉर्म आपको आपको साफ साफ समझ समझ में में है। है। स्निग्ध स्निग्ध है, है, स्निग्ध स्निग्ध मतलब मतलब गीला गीला है, है, शीत शीत है, है, शीत शीत मतलब मतलब ठंडा, ठंडा, कोल्डनेस कोल्डनेस से से हम हम लोग लोग कहते कहते हैं, हैं, मंद मंद धीमे धीमे है, है, मृदु 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 मतलब मतलब मिठास। मिठास। मिठास की मिठास की क्वालिटी क्वालिटी अगर अगर किसी किसी के के पास पास है, है, मीठा मीठा है है, पांचों पांचों तत्वों तत्वों में में से से तो तो एक एक ही ही तत्व तत्व है है, वो वो है है जल। जल। अगर अगर कोई कोई व्यक्ति व्यक्ति मीठा 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 बोलने बोलने लग लग गए गए तो तो वो वो भी भी समझ समझ लें लें कि कि वो वो जल जल तत्व तत्व का का प्रतीक प्रतीक है। है। ज्यादा ज्यादा ही ही मीठा मीठा बोलने बोलने लग लग जाए जाए तो तो भी भी समझ समझ लेना लेना वो वो जल जल तत्व तत्व प्रतीक प्रतीक है। है। ज्यादा ज्यादा जब जब कोई कोई व्यक्ति व्यक्ति मीठा मीठा बोलने बोलने लगे लगे तो तो साथियों साथियों सावधान सावधान हो हो जाइएगा। जाइएगा। क्यों? क्यों? क्योंकि क्योंकि मीठा मीठा ज्यादा ज्यादा मीठा मीठा वो वो आपके आपके लिए लिए खतरा खतरा नहीं नहीं होता, होता, क्योंकि क्योंकि मीठा मीठा बोलने बोलने से से व्यक्ति व्यक्ति चाटुकार चाटुकार भी भी हो हो सकता सकता है, है, वो वो अपना अपना चालाकी चालाकी या या अपना अपना वो वो स्वार्थ स्वार्थ सिद्ध सिद्ध कर कर रहा रहा होता होता है। है। पिक्चिल पिक्चिल चिपचिपा चिपचिपा पाता पाता है, है, पिक्चिल पिक्चिल का का मतलब मतलब होता होता है है चिपचिपा चिपचिपा पन, चिपकाता चिपकाता है। है। अच्छा, अच्छा, इसकी इसकी एक एक अच्छी अच्छी गुण गुण और और भी भी है, है, ये ये जोड़ता जोड़ता है, है, जोड़ने जोड़ने का का काम काम करता करता है, है, क्योंकि क्योंकि चिपचिपापन चिपचिपापन होता होता है है वो वो चिपचिपा चिपचिपा वाले वाले को को तो तो जोड़ता जोड़ता है, है, क्योंकि क्योंकि मीठा मीठा अगर अगर मीठे मीठे वचन वचन कोई कोई बोल बोल रहा रहा है है तो तो बीते बीते सारा सारा संसार संसार उसका उसका होता होता है। है। जैसे जैसे कहा कहा गया गया है है ना, ना, कागा कागा खा खा को को लेत लेत है, है, कोयल कोयल खा खा को को देत, देत, मीठे मीठे वचन वचन सुनाई सुनाई के के जग जग अपना अपना कर कर लेत। लेत। वाणी वाणी के के माध्यम माध्यम से, से, इस इस मिठास मिठास के के माध्यम माध्यम से से व्यक्ति व्यक्ति पूरे पूरे संसार संसार को को अपना अपना बना बना लेता लेता है। है। तो तो अपना अपना बनाने बनाने की की क्षमता, क्षमता, जोड़ने जोड़ने की की क्षमता, क्षमता, ये ये केवल केवल और और केवल केवल जल जल तत्व तत्व के के पास पास है। है। इसके इसके पास पास संसार संसार में में इसके इसके पास पास काफी काफी मित्र मित्र दोस्त दोस्त काफी काफी होते होते हैं, हैं, ये ये आगे आगे पीछे पीछे लोग लोग घूमते घूमते रहते रहते हैं, हैं, इसका इसका मतलब मतलब स्निच स्निच जल जल तत्व तत्व की की रीता रीता है। है। कर्म कर्म क्या क्या हो हो सकता सकता है? है? उत्क्लेद, उत्क्लेद, मिलाने मिलाने वाला वाला या या मिलनशीलता, मिलनशीलता, स्नेह स्नेह लुब्रिकेशन लुब्रिकेशन जो जो कहते कहते हैं हैं हम हम लोग, लोग, बंध बंध है है बांधना, बांधना बांध बांध के के रखता रखता है, है, मार्दव मार्दव है, है, स्वप्न स्वप्न जिसे जिसे कहते कहते हैं, हैं, प्रहलाद प्रहलाद मतलब मतलब है है प्रेजेंट, प्रेजेंट, प्रहलाद प्रहलाद को को मतलब मतलब होता होता है है प्रसन्नता, प्रसन्नता, व्यक्ति व्यक्ति मुस्कुराता मुस्कुराता हुआ हुआ चेहरा, चेहरा, जब जब व्यक्ति व्यक्ति मुस्कुराता मुस्कुराता रहेगा रहेगा तो तो मुस्कुराता मुस्कुराता हुआ हुआ चेहरा चेहरा है है कि कि मतलब मतलब ये ये कि कि ये ये वाटर वाटर जल जल वाले वाले हैं। हैं। यह यह हंसने हंसने हंसाने हंसाने मुस्कुराने मुस्कुराने में में जीवन जीवन में में अगर अगर विश्वास विश्वास करता करता है है तो तो जल जल तत्व तत्व है, है, इतना इतना इसका इसका होना होना जरूरी जरूरी ही ही है, है, और और अति अति सत्यवर्जित सत्यवर्जित है है ये ये भी भी ध्यान ध्यान रखना रखना पड़ेगा। पड़ेगा। अच्छा, अच्छा, जल जल तत्व तत्व की की एक एक निगेटिव निगेटिव क्वालिटी क्वालिटी वो वो कैसा कैसा है? है? वो वो है है ऐसा ऐसा है है कि कि इसको इसको घुलमुल घुलमुल स्वभाव स्वभाव कहते कहते हैं, हैं, प्रभाशीलता, प्रभाशीलता, बह बह जाना। जाना। देखो, देखो, जल जल है, है, प्रसन्नता प्रसन्नता है, है, जोड़ने जोड़ने काम काम करता करता है, है, अच्छाई अच्छाई है, है, वहां वहां पे पे उसकी उसकी बुराई बुराई भी भी है, है, उसकी 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 एक एक कह कह सकते सकते कि कि बुरी बुरी क्वालिटी क्वालिटी भी भी है, है, बेड बेड क्वालिटी क्वालिटी कह कह सकते सकते हैं हैं उसको। उसको। तो तो क्या क्या करता करता है है ये ये प्रभावशीलता प्रभावशीलता है? है? अगर अगर मीठे मीठे बोलने बोलने लगे लगे ध्यान ध्यान रखना, रखना, वो वो आपके आपके पास पास मीठा 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 बोलेगा बोलेगा तो तो उसी उसी के के बारे बारे में में मीठा मीठा बोलेगा बोलेगा वो, वो, आपके आपके बारे बारे में में बोल बोल देगा, देगा, मीठा 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 उसके उसके बारे बारे में में बोल बोल देगा, देगा, एक एक दूसरे दूसरे को को डरा डरा सकता सकता है है वो। वो। इसका इसका मतलब मतलब बिना बिना पीने पीने के के लोटे लोटे की की तरह तरह है, है, वो वो किधर किधर भी भी लुढ़क लुढ़क सकता सकता है, है, इधर इधर से से उधर उधर लुढ़क लुढ़क सकता सकता है, है, इसलिए इसलिए इसे इसे मीठे मीठे बोलने बोलने वाले वाले की की वाणी वाणी पे पे कभी कभी विश्वास विश्वास नहीं नहीं किया किया जाता। जाता। और और जो जो कड़वा कड़वा होता होता है, है, कड़वा कड़वा किसका किसका प्रतीक प्रतीक है? है? मैंने मैंने इससे इससे पूर्व पूर्व बताया बताया था, था, अगर अगर ये ये
कौन कौन से ऐसे हमारे बॉडी पार्ट है, इस बॉडी पार्ट में दे देते हैं, इसमें बोन्स है, हड्डियां। महत्वपूर्ण में तो देखिए ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं हमें ऐसा लगता है कि कहीं इसकी संबंध हमारे अलग अलग नहीं है। दूसरी बात इसमें स्केलेटल स्ट्रक्चर, ये बोन्स हमारा वैसे बोन को देते हैं हम लोग, मानव देते हैं इसमें पृथ्वी तत्व प्रोटीन है, लेकिन यहाँ पे जो बोन्स है उसके अंदर जो सॉफ्टनेस जो बनती है, उसके अंदर जो क्वालिटी है, इसकी हम लोग अभी करेंगे। हेयर ऑन द हेड, सर के बाल, अगर सर का बाल पकता है या पक रहा है या ड्राइनेस आ रही है या टूट रहा है, तो आपको समझना चाहिए कहीं नहीं ये चल सकते है, लेकिन मित्रों में बता दूं, कान की कोई दिक्कत हो तो डायरेक्ट संबंध संबंध होती है। आप बुढ़ापे में व्यक्ति को देखिए, वृद्ध पर जो हो जाते हैं विद्ध लोग होते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम आती है? बाल पक जाता है, बाल झड़ने लग जाते हैं। नॉर्मली अगर माने मूंछ भी ठीक रहे तो उसका सर बाल पक जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक चीज हो जाती है, वो है व्यक्ति बोलते बहरा, वो बहरा आ जाता है। क्यों? किडनी कमजोर हो जाती है, पेशाब बार बार, बार बार पेशाब, थोड़ा थोड़ा पेशाब होना, ये किडनी की कमजोरी कमी बताता है। तो ये एनर्जी कम होती है, वैसे कान में सुनाई देना कम होता है। मित्रों, मेरा ये 18 साल का एक एक्सपीरियंस जो मैं थेरेपी में अपने आप को लगाया, इसमें सिर्फ एक चीज समझ में आया कि हम अपने शरीर को होलिस्टिक अप्रोच से देख सकते हैं, समग्र दृष्टि से देख सकते हैं, एकांत से नहीं देख सकते हैं। इसलिए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हमारे पास, मेल और फीमेल दोनों, तो इसका संबंध कहीं ना कहीं हमारे इस जल तत्व से संबंध रखता है। मित्रों, आगे मैं आपको जब चक्रों के बारे में, कोशों के बारे में चर्चा करूँ, तो इसका ज्यादा रिलेशनशिप आपको बता पाऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको इसका जानना जरूरी होगा। तो कहीं ना कहीं इसका संबंध इस हमारे किडनी से है, तो किडनी का संबंध जो है ये हमारे पेशेंट से है। इससे देखते हैं जो भी ज्यादा तनाव संबंध है, उसको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन संबंधी प्रॉब्लम हो जाती है, टेंशन और तनाव में रहता है, फाइब्रॉइड या कई प्रकार के यूरिन संबंधी दिक्कतें या आंखों की नामर्दगी, तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं। व्यक्ति कहता है भाई वो अच्छे हैं, अच्छे खा रहे हैं, अच्छे पी रहे हैं, लेकिन चार है थॉट्स ऐसा है, आपके अंदर तनाव चिंता तो नहीं है, लेकिन ऐसा है तो आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो सही नहीं है। नंबर इसकी रिस्पॉन्सिबल जो साउंड है वो है आए गाना है, और इसमें जो तड़पाथन आवाज है। अब ये आए भरना मतलब दर्द भरी जो गीत है या साउंड वगैरह है जो व्यक्ति गाते रहते हैं वो आप समझते हैं, तो वो सारे सारे इसके साउंड के अंदर में इसके रिलेटेड इसकी इमोशन जो है डर, व्यक्ति के अंदर भी डर आ रही है, तो ध्यान रखिएगा ये कहीं कहीं किडनी से है। किडनी की जो मेन इसकी जो इमोशंस है वो फियर है। अगर फियर हो जाए तो व्यक्ति बहुत सारे उसके अंदर के फियर ऐसे ही समाप्त हो जाता है। इसमें सेक्सुअल क्लाइमैक्स होते हैं, अगर मान लें किसी व्यक्ति के अंदर में सेक्स संबंधी प्रॉब्लम दिक्कत आ रही है, जिसे नामर्दगी कहते हैं या फिर इम्पोटेंस किसी प्रॉब्लम आ रही है, तो भी हम इसकी थेरेपी देख रहे हैं, किडनी की एनर्जी को अप करके हम लोग सस रहे हैं। इसमें जो है लैक ऑफ विल पावर, अगर व्यक्ति के अंदर में विल पावर कम हो रही है, तो विल पावर कम हो रही है, तो विल पावर किसी माध्यम से बढ़ाया जा सकता है। मित्रों, हमारे यहाँ जो विज्ञान है, योग विज्ञान या नेचुरल साइंस कहते हैं, इसके एक कंसेप्ट है कि कंसेप्ट यह है कि किडनी में बॉडी का एसेंस होता है।
हमारे जीवन का सार जो कहते हैं किडनी में ही अंदर स्थित होती है। तो ये सार तत्व किडनी में, किडनी इस बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है। माता पिता दादा परदादा नाना नानी जो एनर्जी आती है ध्यान रखना वो किडनी के लिए हमारे प्राप्त होते हैं। हम आपकी किडनी के माध्यम से आपके माता पिता भाई माता पिता और दादा दादी या तो फिर आपके नाना नानी उससे वंश से आने वाले सारे डिजीज को डायग्नोज कर सकते हैं हम लोग। इसकी फिजिकल सिम्टम क्या हो सकता है? आर्थराइटिस, पेन, जॉइंटिस, जोड़ों में दर्द हो सकती है, वीक आपके एंकल में हो सकती है, जैसे प्रॉब्लम होती है, हाई ब्लड प्रेशर भी है और साथ ही लो ब्लड प्रेशर भी आता है इसके साथ साथ इसमें। तो किडनी स्टोन है, हेयर लॉस है, हेड ड्रॉप है, नी प्रॉब्लम है, घुटने का दर्द है। मित्रों मैं अपने एक्सपीरियंस बताऊं, घुटने का जो दर्द होता है वो व्यक्ति को किडनी की वजह से होता है, डायरेक्ट संबंध होता है। कई बार मैं चिकित्सा करता था तो कई व्यक्ति को गॉल ब्लैडर स्टोन और गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से घुटने का दर्द महसूस होता है। मित्रों जैसे ही उसको गॉल ब्लैडर स्टोन निकाल दिया गया उसे घुटने का दर्द पूरा जैसा निकाला गया ऑपरेट किया वैसे घुटने का दर्द आया। तो मित्रों कहीं ना कहीं फियर और वैसे भी घुटने का दर्द से संबंधित देखिए किडनी के लिए मतलब फियर, तो फियर की जिंदगी में आया जाता है, भय आ जाती है, अनचाहे भय कहते हैं। भविष्य की स्थिति अगर नार जीवन में आता है कि नहीं जिंदगी में क्या होगा तो व्यक्ति को घुटने में दर्द आना स्वाभाविक है। और ऐसे कब होता है मित्रों? बुढ़ापा आती है, व्यक्ति को लगता है कि अब तक हमारा समय पूरा हो गया, हम लोग मर जाएंगे। तो मरने की मृत्यु का जो जो है योग में निमेष कहते हैं, ये जब आती है तो घुटने का दर्द जोड़ों का दर्द हो जाता है। बड़ा इसका संबंध है, इसलिए विचारों का बड़ा महत्व दिया गया है। विचारों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा, स्ट्रॉन्गनेस विचार होनी चाहिए। कमर दर्द है, लोअर बैक पेन है, ये सारे सारे प्रॉब्लम इसी के थ्रू आता है। और लास्ट जो हमारे पास है मित्रों ये पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व की तन्मात्रा जो गंध है या गंध तन्मात्रा से पृथ्वी तत्व के साथ साथ आपका शब्द है, स्पर्श है, रस है, वो ऊपर के चारों तन्मात्रा के साथ गंध तन्मात्रा में आ जाती है, वो होती थी पृथ्वी तत्व की उत्पत्ति। ये हम सबसे पहले से हमने चर्चा कर चुके हैं। तो साथियों इसमें ज्ञानेंद्रिया इसकी जो है ये ज्ञानेंद्रिया इसके नाम है, क्योंकि गंध को सुनने की क्षमता नाक में है। और जब नाक में सुनते हैं तो इससे संबंधित जो कर्म होता है वो क्या है? प्रजनन इंद्रिय। हम प्रजनन इंद्रियों के माध्यम से होता है। लोग जो लगाते हैं आजकल चर्चा है, कहना नहीं चाहिए, जो फॉक्स की जो जमाना है या जो सेंट लगा के लोग परफ्यूम लगा कर चलते हैं और कहते हैं कि कोई व्यक्ति को हम अपने पास बुला सकते हैं, खींच सकते हैं, आकर सकते हैं, क्यों लगाए हो मैं अपने साथियों को परफ्यूम लगाए गए हो, तो आप समझते हैं मेरे मैं जो कहना चाह रहा कहना चाह रहा हूँ। तो परफ्यूम व्यक्ति लगाता है क्योंकि उसके अंदर वो लोगों को अट्रैक्शन पैदा करना चाहता है। अपने जो विरुद्ध मतलब कह सकते हैं, जैसे मैं मैन है तो फीमेल मेल को फीमेल तो मैं मैन है, उसमें अट्रैक्शन पावर वाला नहीं है। और ओनली उसका केवल एक ही उद्देश्य होता है, वो है अपने कामनाओं को वासनाओं को पुष्टि के लिए। इसका मतलब गंध का संबंध डायरेक्ट किससे होता है? हमारे खाने ने दी हमारे घर में दी जिसे हम लोग उससे प्यार करते हैं, जिसे हम लोग प्रजनन इंद्रिय कहते हैं। तो बड़ा गहरा संबंध है एक दूसरे का। अब इसके बाद श्री गुणों के बारे में सुनिए। इसके गुण जो गुरु, गुरु का मतलब यहाँ पे भारी है और खर होता है, खर मतलब ऊपर का भाव, कठिन है, कठिन की मतलब मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है, पत्थर जैसा कठिन होता है, मंद होता है, धीमी स्थिरता इसकी क्वालिटी है, सांद्रता और गंध की तन्मात्रा चर्चा करके हमने इसके कर्म है ग्रोथ बढ़ना, संघात चोट लग लगना। अगर कोई व्यक्ति बोल रहे हैं आपको चोट लग रहा है गौरव स्थिरता स्टेबिलिटी मेन क्वालिटी अगर मोटा ताजा व्यक्ति है तो बैठ लेगा नहीं। तो इसकी क्वालिटी आप हमने चर्चा किया है, ये इसकी क्वालिटी है, इसकी जो संबंधित मार्गन है वो है आमाशय और दूसरे से तिल्ली जिसे हम लोग स्प्लीन कहते हैं। तो तिल्ली स्प्लीन स्टमक स्टमक भोजन जो पहले भोजन मुंह में जाते हैं बाद स्टमक में है, लेकिन स्प्लीन इसी के बारे में लोगों को बहुत कम लोगों को पता है। स्प्लीन काम करता है जो भोजन को डाइजेस्ट करते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम स्प्लीन का होता है।
मतलब है फूड एनर्जी को बॉडी की एनर्जी में कन्वर्ट करता है, सुसु एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वाकई सीन है। तो स्प्लिन बॉडी के कभी और चर्चा करने का मौका मिलेगा, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, व्याख्या करेंगे। और इससे संबंधित जो बॉडी ऑर्गन्स है वो प्लेस हमारे मांस है, लिप होंठ है, ये भी हमारे पृथ्वी तत्व का प्रतीक है, माउथ है, मुख एंड लिम्ब ग्लैंड्स है, जितने भी लिम्ब ग्लैंड्स है वो लिम्ब ग्लैंड्स पृथ्वी तत्व के प्रतीक है। और ये टॉन्सिल्स की जो दिक्कत आती है गले में, वो टॉन्सिल की प्रॉब्लम भी का है, ये पृथ्वी तत्व से संबंधित है। इसका मतलब अगर टॉन्सिल की प्रॉब्लम हमारे से संबंधित आंख से डाइजेशन से है, डाइजेशन सही नहीं हो रहा, जो टॉन्सिल की प्रॉब्लम भी है, डाइजेशन से बहुत सारा हम लोग टॉन्सिल से ट्रीट कराते हैं, टॉन्सिल पर काम कर रहे हैं, नहीं तो उसकी जरूरत देखना पड़ेगा आपको। इसका संबंध यहां से है, इसके रिस्पॉन्सिबल साउंड है क्या है, डकार है, भिनभिनाहट है और कराना, ये अगर व्यक्ति के अंदर में है, भिनभिनाहट है, अगर बोलता है तो नाक के बल बोल रहा है, कहते ना कोई चीज होता है तो बोलेगा तो नाक के बल बोलेगा, तो नाक में जो हमिंग की साउंड आती है ये आपके पृथ्वी तत्व का प्रतीक है, उससे पृथ्वी तत्व संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं करना, नाक से भी बोल रहा है, ढकारे आ रही है और ढकार उसमें गंध आ रही है, तो समझिए वो कहीं ना कहीं पृथ्वी मतलब स्टमक से संबंधित प्रॉब्लम है, डाइजेशन भोजन नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हम उसे पहचान सकते हैं कि बेबी के अंदर में अलग अलग इसके रिलेटेड इमोशंस जो है वो है रिजिडिटी, या फिर इसे कहते हैं हम लोग कठोर या हठी बेबी बोलते हैं, हठी धर्मी बेबी होता है, जो चाहिए उसको चाहिए, ये कष्टकारक है, सेसिव है, इसके अंदर में अटैचमेंट होता है, इसके जुनून, इसके अंदर जो करना चाहते हैं जुनून, इसकी अच्छी क्वालिटी है, लोलुपता होती है, पदलोलुपता कह सकते हैं, या कुछ भी कह सकते हैं, किसी चीज को पाने की जलेसी है, ईर्ष्या, जलता है दूसरे को देख कर के, यार यार इनके पास मेरे पास क्यों नहीं है, तो ये इनके अंदर क्वालिटी एक अच्छी क्वालिटी और बुरी क्वालिटी भी इसके अंदर में है। तो ईगोटिज्म व्यक्ति के अंदर अहंकार ज्यादा होता है, उसको ज्यादा ईगो हट होती है, तो ये इसके इमोशंस हैं, तो इमोशंस हमें अलग अलग चीज़ इमोशंस की हम पहचान सकते हैं, फिजिकल सिम्टम है, ओबेसिटी हो सकती है, लो एनर्जी है, डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, इसको सांस लेने में दिक्कतें आती है, तो इस प्रकार से हमको इस प्रॉब्लम मेटाफिजिकल सिम्टम हो सकते हैं, और साथ साथ इसमें कह सकते हैं हम लोग जो है बुजदिली कहते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कुछ आप बैठा रहता है तो गलती हो रही है, देख रही है, दर्द हो रहा है, लेकिन वो कुछ करेगा नहीं, कुछ कुछ आप अपने आप खराट लगा लेते हो, मिल जाता है। सतर्क और चिंतित, वो सतर्क भी होता है जीवन के बदले, लेकिन चिंतित भी ज्यादा हो जाता है, मेंटल डिस्टर्बेड मतलब ये मानसिक रूप से भी क्या है, मे भी संभव है, प्रत्येक व्यक्ति नहीं कहा जा सकता, लेकिन मेंटल डिस्टर्ब व्यक्ति है उसमें प्रॉब्लम है, इस प्रकार से समझना चाहिए। तो मित्रों ये हमने जो चर्चा की आपके लिए, जो पंच तत्व है उसकी व्यवहारिक एस्पेक्ट के बारे में चर्चा किया, उसके अप्लाइड साइंस के बारे में चर्चा किया, ये बहुत ही उपयोगी है। यदि हम इन तत्वों को इस तरह से समझे जाने उसके वास्तविक रूप को जान सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि दर्शन में जो बात कही गई है उसको गहराई से हमें व्यवहारिक रूप से समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, उसको ज्यादा हम अपने जीवन में उपयोगी बना सकते हैं। तो साथियों आज हम आपको सांख्य दर्शन के पंच महाभूत के व्यवहारिक रूप की चर्चा किया, मुझे विश्वास है आपको अच्छा लगा होगा, तो आप इसमें अगला वीडियो और देखिएगा, हम आगे चित्त के बारे में, जो चित्त है क्या, इन चित्त के स्वरूप क्या हो सकता है, लोगों के अलग अलग क्रम है, उसका भी निराकरण समाधान संदर्भित ग्रंथों के साथ, व्यर्थ में व्यक्ति अपने मन बंद बातें नहीं, नहीं हमारे शास्त्रों को जो रूप दिया गया है उसके कारण संदर्भ का साधन क्या करेंगे। तो आज के हम इस हमारे सेशन में हम इतना ही करते हैं, नमस्कार, धन्यवाद।